हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएफ का पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आने लगा है, क्योंकि मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कब और कितना निकाल सकते हैं। अगर आपको पीएफ का पैसा चेक नहीं करने आता तो उसको मैं आई बटन पर भी दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप अपना पासबुक चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में उसमें से कितना पैसा निकालना है वो आप पता कर सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आप उमंग ऐप से भी अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो उसमें पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस प्रकार का कुछ दिखेगा, तो इससे भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप टोल फ्री नंबर जो ये है उस पर भी मिस कॉल अपने रजिस्टर्ड नंबर से मारिएगा, तो इस प्रकार का आपको दिखेगा। मैं क्रोम ब्राउजर से ही चेक किया हूँ, क्योंकि क्रोम ब्राउजर से चेक करने में आसान होता है, तो मैं उसी के माध्यम से चेक किया, तो वही मैं बताऊँगा। ये मैंने अपना यूनिक का पासवर्ड बनाया हुआ है, तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर से चेक किया हूँ। अगर आपको यूनिक का पासवर्ड नहीं बनाना आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो वो देख करके आप पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद अपना पासबुक आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चेक किया तो मेरे फाइल मैनेजर में है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में देखिए ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं जो डाउनलोड किया था वो ये वाला रहा, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में देखिए मेरा जो पासबुक है पीएफ का वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेरा ओपन हो गया है, तो मैं अपना पूरा जितना हमको देखना है शुरू से लेकर अंत तक वो हम देख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए इसमें तीन जगह आपका पैसा रहता है। ये आपका पैसा कटा हुआ हुआ है, ये एम्प्लॉयर द्वारा जो जमा किया हुआ मतलब आपके कंपनी द्वारा जो जमा किया हुआ है वो पैसा है। उसके बाद में ये पैसा थर्ड नंबर में जो है ये पेंशन का पैसा है, मतलब आपका पेंशन फंड में जाता है ईपीएस में मतलब। उसके बाद में देख लीजिए ये आपका टोटल पैसा जितना रहेगा 60,000, 70,000, 80,000 रहेगा। तो ये पैसा अगर पहली बार आप निकाल रहे हैं तो 75% ही निकलेगा। 75% से ज़्यादा अगर निकालिएगा तो कंपनी कट कर करके आपको 75% ही पैसा देती है। अगर आप ज़्यादा भी फॉर्म फिल करते समय ज़्यादा भी भर दिए लेकिन आपको 75% ही मिलेगा। तो ये पैसा जो है ये पैसा पहले मैं इसी के बारे में आपको समझाता हूँ। तो आपको ये जितना भी पैसा रहेगा पहली बार में आप कुछ निकाल लीजिएगा, जितना भी निकालिए 2-4 हज़ार निकालिए, ये मतलब एक महीना में एक ही बार आप क्लेम कर सकते हैं। फिर दूसरा महीना में आप क्लेम करिए, चाहे वो पैसा जब आ जाता हो उसके बाद फिर आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो मतलब एक बार क्लेम किए हुए तुरंत अगर आप चाहिएगा सर दूसरा बार मैं क्लेम कर दूँ, तो दूसरा बार जब तक वो पैसा नहीं आता उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो अगले महीना में आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए इसमें पहली बार आप जो भी पैसा निकाले 75% तक ही निकलेगा, लेकिन इस पर भी नियम है। अगर आपका नौकरी 5 साल का नहीं हुआ है, अगर आप 50,000 से ज़्यादा निकालते हैं अगर, तो उस पर TDS कट जाता है। TDS अगर पैन कार्ड जुड़े हुए हैं तो 10% कटेगा, अगर पैन कार्ड नहीं जुड़े हुए हैं तो 30% कटेगा। तो उस कंडीशन में आपको TDS से बचने के भी उपाय है, तो उसमें आप पहले पैन कार्ड जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें अगर कंपनी आपका बंद हो गया है या आपका मतलब कोई कारण से आप ड्यूटी छोड़ दिए, जैसे बीमारी के कारण, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके कारण आपने जॉब छोड़ दिया है, तो अगर ये आपका पैसा 50,000 से ऊपर है तो अगर आप निकालिएगा तो आपको TDS से बचने के लिए एक 15G फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म भर करके वहाँ पर जब क्लेम वाला ऑप्शन रहता है उसमें फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आप फॉर्म अपना अपलोड कर दीजिएगा तो आपका TDS नहीं कटेगा। अगर उससे पहले अगर आप निकालते हैं
50,000 से ज़्यादा, तो अगर पैन कार्ड जोड़े रहेंगे तो 10% कटेगा, अगर पैन कार्ड नहीं जोड़े रहेंगे तो 30% कटेगा। तो आपको मतलब 50,000 से कम ही निकलना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो पैसा है इसमें से आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं अपना, आपका जितना पैसा है वो दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितने बार में मन हो अपना सारा पैसा निकाल सकते। और ये दूसरा पैसा जो है वो आपको मतलब 5 साल का जब जॉब आपका हो जाता है उसके बाद इसमें से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। उसमें से आप निकाल सकते हैं मतलब 30-40% के लमसम रह जाता है पैसा, बाकी पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये दूसरा नंबर का जो पैसा है वो 5 साल से ज़्यादा अगर आपका जॉब है तो आप उसमें से 50-60% ही रुपया निकाल सकते हैं। और उसके बाद में थर्ड नंबर में आ जाता है EPS मतलब पेंशन वाला पैसा आपका। तो अगर 10 साल से पहले, 10 साल मतलब 9.5 साल होता है, तो 9.5 साल से पहले अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो आप जॉब छोड़ दिया है चाहे डेट ऑफ एग्जिट आपका हो गया है तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। अगर 9.5 साल से ऊपर हो गया या किस किस केस में 9.5 होता है, 10 भी हो जाता है, तो उस केस में आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते। तो वो आपको 58 साल के बाद आपको पेंशन के ही रूप में आएगा, जो खाता अकाउंट आपको जुड़ा हुआ है PF में उस अकाउंट में आपका आएगा। तो अकाउंट आपको चालू करके रखना है, वो अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए, वो रनिंग कंडीशन में मतलब चालू होना चाहिए, चालू रहना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। उसके लिए PF ऑफिस भी आपको जाना पड़ सकता है, उसके बैंक में भी कई बार चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो आप उसको चालू करके ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।